में देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी, इंस्टीट्यूशंस, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकती है, हमारी सिटी का अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकती है, कंज्यूमर फोरम्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस और कुछ ऐसे फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आएंगी जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है. मैथमेटिकली ये डेफिनेशन मेरे को हमेशा अच्छी लगती है. टेक द होल यूनिवर्स, कभी आप 9th या 10th में सेट्स का चैप्टर किया करते थे, तो यूनिवर्स होता था और एक सबसेट होता था ना. ठीक है, 9th सेट्स का चैप्टर कभी मैथ्स में किया होगा आपने. तो ही सेज, एक ऑथर ने क्या बोला, पूरा यूनिवर्स ले लो और उसमें से अपना बी का मतलब अपना बिजनेस निकाल दो, जो बचा वो सारा बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है ना, मतलब आपने अपने आप को भी इसमें से माइनस कर दिया, बाकी जो बचा वो सारा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है. इट मींस कि इट इज नथिंग एल्स, इट इज योर सराउंडिंग्स. स्टूडेंट्स, ये आपके सराउंडिंग्स है, जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके आसपास की फोर्सेस है, जो आपके आसपास की इंस्टीट्यूशंस है, उसको स्टडी करिए. बिना आप अपना बिजनेस कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते. सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू स्टडी योर सराउंडिंग्स. यस, मेरे वाली डेफिनेशन लिखी है, पहली लाइन है, institutions and other forces that are outside the control of the business. Now on the basis of this definition we have the following features of business environment. Totality of external forces, वो सारी forces जो आपके control के बाहर है उसे निकाल total कर लीजिए, तो कुल मिला के आपका क्या बनेगा, business environment. Then in the whole chapter we will be dealing with specific and general forces, specific versus general forces. जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो सारे बिजनेस हाउसेस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस आर वेरिड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. ये अलग अलग बिजनेस हाउसेस की अलग अलग अपनी फोर्सेस होती हैं, ये सबके लिए बराबर हैं. लाइक टेक्नोलॉजी, पांचों जो डायमेंशन है ना पूरे चैप्टर में, वो जनरल फोर्सेस है. टेक्नोलॉजी में चेंज हुई तो सबके लिए चेंज हुई, कोविड आया तो सबके लिए आया. ठीक है ना, ऐसी फोर्सेस जो सारे बिजनेस हाउसेस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, उन्हें जनरल फोर्सेस किया कहा जाता है. एंड दोस फोर्सेस विच वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस दैट आर नेम्ड एज स्पेसिफिक फोर्सेस. लाइक कस्टमर्स, ए कस्टमर अगर कंपनी ए का सामान खरीदता है, जरूरी थोड़ा सारी कंपनीज का खरीदता होगा. सो योर कस्टमर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, सिमिलरली इन्वेस्टर्स, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जरूरी नहीं आपके कॉम्पिटिटर के भी वही शेयर होल्डर्स हों. सो स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड your investors, customers, competitors and supplier. ठीक है, and general forces include what? बोलो जी, social environment, legal environment, technological environment, economic environment and political environment. We have 5 dimensions of business environment and that are being included in general forces. Then we have, इसके बारे में paper में question भी आया था, interrelatedness. किसी एक फैक्टर में अगर चेंज हो, उसके कारण दूसरे फैक्टर में ऑटोमेटिकली चेंज आती है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है. सो वी कॉल इट इंटर रिलेटेडनेस. डन, कैसे, जैसे नाउ अ डेज द पीपल दे आर यूजिंग मोर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस. तो हेल्थ कॉन्शियसनेस के कारण ऑर्गेनिक और शुगर फ्री और कैलेस्ट्रॉल फ्री और फैट फ्री प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है. तो ये वैसे सोशल एनवायरनमेंट की डायमेंशन है, लेकिन आपस में इनका क्या है, रिलेशन है. जो एग्जांपल मैंने दी वही है, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड. अगर किसी एक डायमेंशन में चेंज आती है, तो उसके कारण आपका दूसरा डायमेंशन भी अफेक्टेड होता है. वही एग्जाम्पल है स्पास की, जिम्स की. So they all are related. As the people, they are becoming health conscious. They are going to gym. So gym se related product ki demand market mein badh gayi. Equipments ki demand market mein badh gayi. Theek hai, so that is going to affect our business a lot. Will you call business environment a static force or a static environment? Kya business environment hamesha ek sa rehta hai? No. So it is dynamic in nature. Daily it gets changed. Theek hai? So business environment ke baare mein aapne mind mein rakhna hai. क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है. लाइक कंज्यूमर के टेस्ट चेंज है, उनके प्रेफरेंसेस चेंज है, नए नए लॉ बनते हैं तो लीगल एनवायरनमेंट में भी चेंज आती है, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं तो सोशल एनवायरनमेंट में भी चेंज आती है. हर आए दिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज आती है. इज इट सर्टन टू प्रिडिक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट और इट इज ईजी टू प्रिडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट? नॉट एट ऑल.
आप योर प्रोडक्शन में प्रूव रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई ही कॉल अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट सर्टेन टू प्रेडिक्ट. कुछ हद तक आप प्रेडिक्शंस और एस्टीमेट लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस सो फ्रीक्वेंटली. जब एनवायरनमेंट में चेंजेस बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, इसलिए उनको प्रेडिक्ट करना हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज अनसर्टेन. इज इट इजी टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिनेशन? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस एट अ स्ट्रेच? नो. इतनी सारी फोर्सेस हैं, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर हैं. क्या इन सबको स्टडी करना मेरे बस की बात है? नो. सो दैट्स व्हाई वी कॉल बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. थ्योरेटिकली किताबों और कॉपियों में इसको पढ़ना बहुत आसान है, किसी को पढ़ाना भी बहुत आसान है, बट एक्चुअली एज अ बिजनेसमैन जब आप इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने निकलते हो तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स. सो दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर. सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटर रिलेटेड फोर्सेस, डायनेमिक कंडीशंस व्हिच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड इट. इसे डिटेल में समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. देन लास्ट फीचर इज रिलेटिविटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद रिलेटिविटी? रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता. आप तालिबान में या अफगानिस्तान में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वहां के बिजनेस हाउसेस के लिए इंडिया में तो पीस है, एटमोसफेयर है ना, पीसफुल एटमोसफेयर है. तो जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो वहां पे नहीं होगा. वहां का एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, हमारा अलग है. यू आर गेटिंग मी? तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. ठीक, अब केरला में कोविड के केसेस अभी भी बहुत ज्यादा है, पंजाब में फिर भी कंट्रोल में है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की सिचुएशन यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है. इवन स्टेट टू स्टेट, एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स, इवन डिफरेंट सिटीज में भी एनवायरनमेंट सेम नहीं होता. दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिलेटिविटी. इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल वो अच्छी देता है, पॉलिटिकल कंडीशन. जैसे अब मैंने बोला पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अफगानिस्तान एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया आर टोटली डिफरेंट. दैट इज अ रिलेटेड रिलेटिविटी. रिलेट, रिलेट से बना रिलेटिविटी. इट इज रिलेटेड विथ प्लेस टू प्लेस, इट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लाइक द डिमांड ऑफ साड़ी इज मोर इन इंडिया देन इन यूएसए और कैनेडा. ठीक है, साड़ी इज अ ट्रेडिशनल वेयर ऑफ इंडियन वुमेन, सो दैट्स व्हाई इट इज मोर इन डिमांड. जापान में कहां साड़ीज की डिमांड होती होगी? एक या आधा परसेंट वहां पे इंडियन अगर रहते हैं तो दे विल बी बाइंग इट. वो भी जरूरी नहीं है कि वो वेस्टर्न में शिफ्ट ना हो गए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट डिमांड ऑफ द थिंग्स आल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देन वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर व्हिच वी कॉल इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. दो चीजें आपने पहले मेरे को बतानी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मीनिंग क्या है और अर्ली वार्निंग सिग्नल का मीनिंग क्या है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वर्ड से आप क्या समझते हो? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल. What you understand with these two terms? इसको समझाने के लिए मैं हमेशा वर्ड यूज करती हूँ अपॉर्चुनिटीज. मार्केट में आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, मीन्स आपने अपने लिए फेवरेबल पोजिशन ढूंढनी है. जिस एरिया में आप शॉप खोलने के बारे में सोच रहे हो उसके 10-15 किलोमीटर के दायरे में कोई कंप्यूटर कैफे है ही नहीं, यू विल गो हट. अगर उस 10-15 किलोमीटर में 15 कंप्यूटर कैफे हैं, विल यू थिंक टू ओपन योर कैफे इन दैट एरिया? इट मींस कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ना के बराबर. यू हैव टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जो आपसे पहले कभी किसी ने नहीं किया वो कब पता चलेगा? व्हेन यू विल बी स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? आप अपने आसपास देखोगे ना, सर्च करोगे, यू विल बी टेकिंग अराउंड कि कितने कंप्यूटर कैफे हैं, यू विल बी काउंटिंग इट, देन यू विल बी डिसाइडिंग शुड आई ओपन कंप्यूटर कैफे इन दिस एरिया और नॉट. ठीक है, रॉयल इमर्शन ने या एशियन पेंट्स ने, दोनों में से किसी ने पहली बार इको फ्रेंडली पेंट बनाया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. ठीक है, मारुति 800 सीसी के बाद कितने सालों के गैप के बाद टाटा ने टाटा नैनो बनाई, कितने सालों के बाद छोटी गाड़ी. ठीक है, और एक इनिशिएटिव लिया कि लाख के पैकेज में, 1,20,000 की तब उन्होंने निकाली थी नैनो. दो इट इज वेरी लेस इन नंबर ऑन रोड्स, बट दैट वॉज एन इनिशिएटिव बीइंग टेकन बाय टाटा मोटर्स. एम आई राइट?
तो कुछ ऐसा करना जो आपसे पहले आपके कॉम्पिटिटर्स ने नहीं किया। ड्रोन जिसने पहली बार बनाया होगा तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही किया, पेटेंट उसके नाम पे गया होगा ना। अब तो बहुत सारी कंपनीज ड्रोन बना रही है। यू आर गेटिंग मी? सो यू हैव टू सर्च द अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ इट बिकम्स योर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आप किसी ओवर के करने से पहले काम करते हो तो वो नाम, वो टैग आपके साथ जाता है, आपको उसका पेटेंट मिल जाता है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू स्टडी द बिजनेस एनवायरमेंट। जब आप बिजनेस एनवायरमेंट के इंपैक्ट में रहते हो, जब आप बिजनेस एनवायरमेंट के इन टच में रहते हो, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल आवर मैनेजर्स शुड बी द ग्लोबल मैनेजर्स। जो मेरे बिजनेस को या मेरी कंपनी को रन कर रहा है, वो मेरा जो जनरल मैनेजर है या सीईओ है, ही नीड नॉट टू हैव द नॉलेज ऑफ हिज ओन बाउंड्रीज और ऑफ हिज ओन नेशन। रादर ही शुड बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन हिज सराउंडिंग, लाइक इन अदर नेशन व्हाट इज हैपनिंग। सो दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अ ग्लोबल मैनेजर। मेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर भी यही मेरे को सिखाता है, मैनेजर ऑफ 21st सेंचुरी। ही और शी नीड टू बी अ ग्लोबल मैनेजर। उसको सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में नहीं, आसपास की कंट्री, नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में भी नॉलेज का होना जरूरी है, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू स्टडी बिजनेस एनवायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्निंग अर्ली वार्निंग सिग्नल? दैट इज थ्रेट्स। आपके लिए क्या क्या थ्रेट्स है? थ्रेट्स का मतलब नेगेटिव, फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल सिचुएशंस क्या है, नेगेटिव सिचुएशन क्या है आपके लिए। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके वो ढूंढना है। लाइक पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं तो यू कैन फोरसी, यू कैन प्रिडिक्ट कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। जो गवर्नमेंट आप सोच के बैठे हैं, मान लो वो गवर्नमेंट नहीं बनती, किसी दूसरी पार्टी की बनती है, आपकी सारी प्लानिंग तो धरी की धरी रहेगी ना। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू सी द नेगेटिव सिचुएशन, उन सिचुएशन से कैसे निपटना है। वो आपको एक वार्निंग सिग्नल, आपके दिमाग की एक घंटी बजा देते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू जस्ट सेटल योरसेल्फ। आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो। हैड यू नॉट बीन स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू नो द फेवरेबल पोजीशंस? विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर यू? विल इट बी गुड फॉर यू लाइक, और विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स? ठीक है, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया आपके मैनेजर ने कि इलेक्शन आने वाले हैं, गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई तो क्या करें। ठीक है, एकदम गवर्नमेंट चेंज होगी, उसने सारी बिजनेस पॉलिसीज चेंज कर दी। पंजाब ने में उसने बोला कि मैंने इन्वेस्टमेंट रहने नहीं देनी, मैंने सारी प्राइवेट कंपनीज बंद कर देनी, मैंने उस कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही बंद कर देना, तो क्या करोगे जिसके साथ आपके इतने इतने सालों से रिलेशन है? तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव पॉइंट फॉर माय बिजनेस सक्सेस। अबाउट दैट यू नीड टू रीड, अबाउट दैट यू नीड टू स्टडी, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। Then it helps in coping. Third, it helps in tapping useful resources. Resources को मैं हमेशा relate करती हूँ raw material से। Business environment को अगर आप study करते हो तो आप इधर उधर जांच पड़ताल करोगे, मेरे को raw material कहाँ से, किस कोने से सस्ता और बढ़िया मिले। ये नहीं है कि जो आपके गली मोहल्ले में दुकान है आप उसी से raw material खरीद लेते हो, वो double भी लगा रहा है। You are not inquiring at all. Had you been studying the business environment, तो आप इधर उधर से सारे supplier से rate list मंगवाते, आप उसका कंपैरिजन करते और जहां पे आपको सस्ता और बढ़िया किस्म का मिलता, हाई डिस्काउंट पे मिलता, आप उसी के साथ जाते। दिस इज व्हाट वी कॉल टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके, इवन इंडिया में नहीं अवेलेबल है तो नेबरिंग कंट्रीज कहां से मिल रहा है, अबाउट दैट यू विल बी इंक्वायरिंग एंड यू विल बी आस्किंग देम टू सेंड द कोटेशन और रेट लिस्ट टू यू। इन दैट वे इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। जो एग्जांपल्स हैं जरूर पढ़ना बुक में से। देन इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया और आपको पता चल गया इस फील्ड में ये चेंज आने वाली है, चेंज आने से पहले ही आप अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते। आप सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, रातों रात कुछ चेंज हो जाता है तो कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए उस चेंज को अडेप्ट करना। लेकिन इससे पहले आपको महीना पहले ही पता चल गया था ये होने वाला, आपने धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। और वो कैसे पॉसिबल होगा? इफ यू आर स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं ना, जब डीमोनेटाइजेशन थी उनको पहले से पता था क्योंकि उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ लिंक रहते हैं। क्या रिलायंस वालों को नहीं पता होगा कि डीमोनेटाइजेशन होने वाली है? पहले से उन्होंने कन्वर्शन करनी और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होगा। अगर हम डिटेल में उनके बिजनेस एक्टिविटीज को स्टडी करें तो जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, और आपको भी एज अ मैनेजर ऑफ योर कंसर्न यू नीड टू सी योर सराउंडिंग्स वेयर द चेंजेस आर गोइंग टू अकर, और चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना भी आपके लिए आसान हो जाता है जब आपको ये पता चल जाए कि चेंजेस आने वाली है या होने वाली है।
So it will be easy for you to adapt the changes when you study the business environment. Then it helps in assisting planning and policy formulation. आपने ये सोच लिया कि ये चेंज होने वाला है, accordingly you will be deciding in advance about future. अब तो आपको पता ही है, planning करो गया, ठीक है, planning कर ली आपने, अपने objective set कर लिए, आपने ये सोच लिया कि मेरे को क्या और कैसे करना है, means आपने policy भी बना ली, ठीक है. तो business environment को study करने से आपकी planning भी successful होती है और उस objective को कैसे achieve करना है आप उसकी policy भी बना लेते हो. Then it helps in improving performance. जब आप business environment को study करते हो ना, आप अपने competitors को भी देखते हो कि वो कहाँ पे stand कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि वो comparison करके कि मेरा competitor मेरे से आगे है, तो आप अपने आप में भी improvement लेके आओगे. अदरवाइज अगर आपने business environment को study नहीं किया, आपने अपने किसी competitor का data analysis नहीं किया, how can you judge कि आप कहाँ पे stand करते हो? So with the help of understanding the business environment, you used to compare yourself with your competitors and even with yourself only. आप अपने ही past record के साथ अपना current data भी compare कर सकते हो, so that you can bring the improvement in your performance. हमारी अगर performance में कोई कमी है, तो आप comparison करके उस कमी को दूर कर लेते हो और आप अपनी performance को improve कर देते हो. यहाँ तक कितना easy है? 5 वो है मेरे को लगता, seven are features and 6 are points of importance. 13 points overall. ठीक, उसके बाद 5 dimensions है. इतना ही chapter है. 5 dimensions के नाम जरा बोलो और साथ साथ discuss करते हैं. ये sequence में करें. पहला economic है ना हमारी book में. Economic की कुछ example बोलो. कैसे identify करोगे कि economic है? Bank interest rate, saving rate, लोगों की purchasing power. जीडीपी की जब बात करेगा, सारे इकोनॉमिक्स की टर्म्स है ना, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ मैम इकोनॉमिक्स में करवाते हैं. परचेसिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर्स, ठीक है, और गवर्नमेंट की कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स है. तो जहां पे भी इन 4-5 बातों के बारे में डिस्कशन होगी आपकी केस स्टडी में, यू विल बी आइडेंटिफाइंग इट एज योर इकोनॉमिक एनवायरमेंट. आई एम रीडिंग समथिंग फ्रॉम योर बुक. कैसे पता चलना है कि ये इकोनॉमिक है? यस, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मार्केट में प्राइसेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स क्या चल रहे हैं, वैल्यू ऑफ रुपी, आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड. इवन योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इवन योर जीडीपी, दैट इज ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, राइट. एग्जाम्पल ही कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी. फॉर एग्जाम्पल नहीं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, आप रिलेट करके बोलना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, लो लॉन्गर टर्म रेट्स आर बेनिफिशियल बिकॉज दे मे रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर. चलो मैं पहले बताता हूँ. मान लो रियल एस्टेट लोन सस्ते हो गए, होम लोन सस्ते हो गए, कौन सी कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ होम लोन्स, विल कंस्ट्रक्शन कंपनीज बी बेनिफिटेड? यस. Yes. Why? क्योंकि लोगों को होम लोन सस्ते में मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना घर बनाना चाहेंगे. अगर कार लोन सस्ता हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेके कार खरीदना चाहेंगे. इवन टू व्हीलर का भी लोन अगर सस्ता हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब लो लेवल भी जो मेरा है, लो इनकम ग्रुप भी है, वो भी टू व्हीलर लेना अफोर्ड करेगा क्योंकि लोन पे मिल रहा है. तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, और इट इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू इकोनॉमिक डायमेंशन. ठीक है, इंटरेस्ट रेट की जब कभी भी बात करेगा, इकोनॉमिक डायमेंशन होगा. नाउ इन योर बुक वी हैव द सेकंड डायमेंशन, दैट इज सोशल. सोसाइटी में रहने वाले लोगों में क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आई है, उनके रिचुअल्स ट्रेडिशन में क्या क्या चेंजेस आई है. आज भी मेरे इंडिया में फेस्टिवल सीजन के दौरान लोग ज्यादा खर्चा करते हैं. तो अगर किसी कंपनी ने लाइक आई हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ सम कन्फेक्शनरी स्टोर, ठीक है, जो ये बेकिंग आइटम्स बनाते हैं, तो दिवाली के दिनों में इन्होंने कोई ऑफर्स ऐसे स्टार्ट कर दी, फ्री होम डिलीवरी कर दी, अपने वेब पेज के ऊपर डिफरेंट ऑफर्स के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया. जब वेब पेज की बात है, टेक्नोलॉजिकल है, और जब इन्होंने दे रीच द बेनिफिट ऑफ फेस्टिवल सीजन इन इंडिया, दिवाली के दिनों में या न्यू ईयर के दिनों में कुछ ऐसी ऑफर्स लॉन्च करी, तो कौन सी डायमेंशन को रेफर किया? सोशल, क्योंकि लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर किया, और उनको जानने के बाद दे पुट फॉरवर्ड द ऑप्शंस बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर, राइट.
तो जो भी ऑफर दी गई लोगों के टेस्ट को जानते हुए, फेस्टिवल सीजन में लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं उसको जांचा और परखा, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रेंजेस ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, दैट कैन बी द होममेड चॉकलेट्स, दैट कैन बी द होममेड केक्स एटसेट्रा, ठीक है, चोको पाई होममेड, पहले कंपनी की बनाई हुई आप लेते हो पैक्ड है, नाउ वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग और बेकिंग द आइटम एज पर योर ऑर्डर, सो सच टाइप ऑफ थिंग्स दे जस्ट केम टू नो ड्यू टू द सोशल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस. सो सोशल एनवायरमेंट में क्या क्या होगा, when I give you the example that the people are becoming health conscious, so society ke log health conscious hai na, to social hai, theek hai, there is a trend of health spas, health gyms, theek hai, health clubs, health clubs is another name of gym, gym is a modern name, aur purane aaj se 8 10 15 saal pehle hum unhe health clubs kaha karte the, theek hai, to health club agar word kahin pe aa jaye to don't get confused, that is same as of gym, because that are in trend. तो ये किसके कारण है, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी, तो सोशल एनवायरमेंट में आपने लेना है. व्हाट एल्स इज बीइंग इंक्लूडेड इन सोशल एनवायरमेंट, दैट इज कस्टम ट्रेडिशंस, मॉरल वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस. व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट इन इको फ्रेंडली पैकिंग, लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहे हो, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो ये भी सोशल एनवायरमेंट में आएगा, ठीक है. फिर फेस्टिवल सीजन की उसने एग्जाम्पल दी है, दैट ऑल्सो यू कैन रीड. देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट वेरी इजी, वेब पेज है, ऑनलाइन सामान आप बेच रहे हो, तो टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी आसानी से पहचाना जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. कोई एग्जाम्पल दो आप, एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइट, ओके, कोई न्यू मशीन आई है, या हम पहले 10-15 साल पहले हैंड रिटन बिल बनाया करती थी कंपनी, अब उसने बिल बनाने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया है, तो इट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. एयर इंडिया स्टार्टेड ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ द टिकट्स, रेलवे स्टार्टेड ऑनलाइन रिजर्वेशन, ई टिकट्स है, ठीक है, सो दिस इज ई एग्जाम्स है, ई सर्टिफिकेट आ रहे हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. पोलिटिकल में क्या आएगा, रूलिंग गवर्नमेंट के डिसीजन, जो एट प्रेजेंट आपकी कंट्री को रूल कर रही है गवर्नमेंट, लाइक बीजेपी है एट प्रेजेंट मेरी सेंटर में, तो स्टेट में कांग्रेस है, तो अगर स्टेट वाइज कोई डिसीजन है तो कांग्रेस का कोई भी डिसीजन होगा तो वो पॉलिटिकल माना जाएगा, पंजाब की बात करूं, और अगर पूरी कंट्री की बात करूं तो बीजेपी जो भी डिसीजन लेगी दैट इज टू बी नेम्ड और कवर्ड अंडर पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ठीक है. देखो जरा इसने क्या लिखा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी और पीस है, मतलब युद्ध के हालात तो नहीं बने हुए, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेबिलिटी और पीस है इन द कंट्री, एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड्स द बिजनेस, जो आपने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं वो पार्लियामेंट हाउस में बैठ के आपके बिजनेस के लिए जो जो डिसीजन लेते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट ही हो गई ना, ठीक है, जो MLAs गए हैं आपने जो इलेक्ट किए थे वो पार्लियामेंट हाउस में बैठ के, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, क्या डिसीजन लेते हैं बिजनेस को माइंड में रखते हुए, दैट ऑल आर टू बी अंडरटेकन अंडर पॉलिटिकल डिसीजन. लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल. अगर लगातार मतलब 5 साल का टेन्योर ही गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती, मींस हमारी कंट्री में अनस्टेबिलिटी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर देती है मेरी गवर्नमेंट, अलायंस गवर्नमेंट बनी है, तो अनस्टेबिलिटी आएगी, बिजनेस हमेशा सफर करेगा. अब 10 सालों से स्टेबल गवर्नमेंट चल रही, दिस इज द सेकंड टेन्योर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, तो यू कैन वेल इमेजिन स्टॉक एक्सचेंज नहीं लुढ़का, ना ही बिजनेस कंडीशन. कोविड होने के बावजूद भी यू नो आर इकोनॉमी इज ग्रोइंग अलॉट, और हमारा पीक पे है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, मतलब इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन किसके कारण है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज स्टेबल ना, ठीक है, और गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, हर एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट आए दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारा PM किसी चीज की इनॉग्रेशन नहीं करता. नेगेटिव पॉइंट होंगे दैट आर असाइड, लेकिन हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, जो आज से 8-10-15 साल पहले नहीं था, फॉर दैट वी वर लैगिंग बिहाइंड अर्लियर, बट नाउ वी आर सक्सीडिंग लाइक द डेवलप्ड नेशंस, मतलब इतना कुछ हम लोगों ने डेवलप कर लिया, इतने ओलंपिक्स में भी कभी मेडल नहीं आते थे जितने इस साल आए हैं, तो इन ईच एंड एवरी फील्ड वी आर राइजिंग, राइट. ओके, सोशल एनवायरनमेंट में कि वर्किंग क्लास वीमेन, नंबर ऑफ वर्किंग क्लास वीमेन दे आर इंक्रीजिंग, तो विच इंडस्ट्रीज आर बीइंग इफेक्टेड, लाइक आज से 15-20-50 साल पहले की मैं बात करूंगी, जब ये नहीं ये माना जाता था कि लड़कियों का और लेडीज का घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दे हैव टू इंडल्ज देमसेल्फ इन हाउस होल्ड अफेयर्स,
लेकिन नाउ द ट्रेंड हैज टोटली बीन चेंज्ड. इफ दे आर मूविंग आउट फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ देयर होम्स, सो दैट्स व्हाई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हैज बीन इंक्रीज्ड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज बीन डेवलप्ड, देन अपैरल इंडस्ट्री इज ऑल्सो बीन डेवलप्ड, क्योंकि और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारी चीजें मेरी वर्किंग क्लास वुमेन को चाहिए. घर में स्कूटर उसको अपने वर्किंग प्लेस के लिए चाहिए, या कार उसको अपने वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए चाहिए, बिकॉज शी कांट अफोर्ड मच टाइम, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसको चाहिए, क्योंकि अब वो सारा काम मैनुअली नहीं करती, ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है. सो दीज ऑल इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड एज द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन हैज इंक्रीज. इट मीन्स कि मेरी सोसाइटी का ट्रेंड चेंज हुआ. दिस इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन सोशल एनवायरमेंट, राइट. और इसके ऊपर मैंने बोला था अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी बनता है. प्रोजेक्ट फाइल्स का क्या हाल है भाई? ठीक है, कोई बात नहीं. नवंबर दिसंबर में जो हो उससे पहले पेपर होने, फाइल्स चेक होनी. हाँ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नाउ, तो यू कैन विजिट एट सम प्लेस एंड यू कैन जस्ट एनालाइज मैनेजमेंट प्रिंसिपल. किसी भी प्लेस, क्या कोई रेस्टोरेंट, कोई बैंक, कोई कंपनी में जाके करोगे कोई भी? हाँ, मार्केटिंग का कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसका अपना एक नाम रखो, उसका प्राइस डिसाइड करो, उसकी लेबलिंग डिसाइड करो, उसका नाम रख लिया, ब्रांडिंग हो गई, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी, ऑल द फोर पीस यू हैव टू. अच्छा ठीक है, वेली हूं ना मैं. लीगल एनवायरमेंट, द डिसीजन बीइंग टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ आर कंट्री. ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, स्टेट कोर्ट्स ने, या नेशनल कमीशन, नेशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिए हैं, कोई भी लॉज वगैरह बनाए हैं, उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. कोई भी नया लॉ बना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ अवेयर बिजनेसमैन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल लीगल एनवायरमेंट. लाइक द प्लास्टिक और पॉलिथिन बैग्स हैव बीन बैंड, लीगल एनवायरमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्कूल खुलेंगे तो, लेकिन इन शर्तों पे खुलेंगे, लाइक देयर शुड बी द इंस्टॉलेशन ऑफ सैनिटेशन मशीन, द टेम्परेचर शुड बी डेली चेक. तो ये लीगल एनवायरनमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला अलग से, लेकिन साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन था. सो लीगल एनवायरनमेंट, वाटर प्योरीफायर्स शुड बी इंस्टॉल्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो लीगल एनवायरनमेंट इन द स्कूल कैंपस. ठीक है, सो जब आप कंट्री की चीफ जस्टिस अथॉरिटी जो है उसके डिसीजन की बात करते हो, तो दैट इज बींग इंक्लूडेड अंडर वॉट, लीगल एनवायरनमेंट. और कोई माइंड में आता है कोई रिसेंट लॉ बना हो बिजनेस से रिलेटेड? डीमोनेटाइजेशन लीगल होगा कि पॉलिटिकल होगा? डीमोनेटाइजेशन पॉलिटिकल है, रूलिंग गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसमें हमारे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था. ठीक है, डीमोनेटाइजेशन क्या है? पॉलिटिकल है, बिकॉज दैट वाज द डिसीजन ऑफ माय रूलिंग गवर्नमेंट, राइट. सो दिस इज एनफ. कितना इजी चैप्टर हो गया हमारा. यू पीपल आर द लकीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड. सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है, आपसे पहले वाले बैचेस पूरा पूरा चैप्टर किया करते थे.